गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अच्छा आज हम जो है पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था, विशेषण के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, है ना, कि वो चार प्रकार के होते हैं। इसी अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, स्वभाव, रंग, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बतलाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा है इसमें? गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से आ रहे हैं? जो गुण बता रहा है किसके? संज्ञा या सर्वनाम के। गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार, स्वाद, इनके बारे में बता रहा है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे गुण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ईमानदारी, किसी व्यक्ति का गुण तो होता है, चतुराई, भलाई, आकार के अंतर्गत चौकोर, गोल, लंबा आदि, है ना। रूप रंग में क्या आता है? काला, भद्दा, सुंदर, ये रूप है। और भी कई सारी चीज़ें आती हैं रूप रंग में। अवस्था में क्या क्या आता है? कमजोर, मोटा, पतला आदि। स्वाद में नमकीन, मीठा, खट्टा आदि। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।